नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपका थर्मोकपल सही है या ख़राब है उसको चेक करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो थर्मोकपल पीआईडी में कनेक्ट है वो सही है या ख़राब है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा थर्मोकपल है और यहाँ पर सेट टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है और एक्चुअल टेम्परेचर जो इस थर्मोकपल से बता रहे हैं वो 29 है। इसको मैं थोड़ा आपको टेम्परेचर बढ़ा के दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ से ऐसे करने पर, रगड़ने पे थोड़ा टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है। इसका मतलब मेरा ये थर्मोकपल सही है। एक बार इस थर्मोकपल का कनेक्शन डायग्राम मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग V प्लस और V माइनस में थर्मोकपल का कनेक्शन करेंगे, जो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है V प्लस और V माइनस में। और इस साइड मैंने फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे दिया है। अब डिस्प्ले में देखते हैं, टेम्परेचर मेरा सही बता रहा है। एक बार मैं इसको वायर ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने थर्मोकपल का वायर निकाल दिया। डिस्प्ले में आप लोग देख सकते हैं कि SBR लिख करके आ रहा है, मतलब सेंसर ब्रोकन। ये अलार्म आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं मैंने थर्मोकपल का एक वायर निकाल दिया और यहाँ पर डिस्प्ले में सेंसर ब्रोकन का अलार्म आ गया। किसी कारणवश अगर आपका थर्मोकपल ब्रेक हो गया है तो वो थर्मोकपल वाकई में ब्रेक है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप लोग सिंपली एक लूप वायर लेंगे और जहाँ पर थर्मोकपल का कनेक्शन किया जाता है उस जगह पे हम लोग इस लूप वायर को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करके देख लेते हैं। इसे आप लोग लूप करके यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेंसर ब्रोकन का अलार्म आ रहा था वो हट गया है। इसका मतलब आपका सेंसर ख़राब था। आप इस तरीके से इसको यहाँ पर लूप करके थर्मोकपल वाले जगह पर अपना थर्मोकपल चेक कर सकते हैं कि आपका थर्मोकपल ख़राब है या PID ख़राब है। फिर प्रोसीजर से आप लोग उसको पता कर सकते हैं। ये तरीका आप लोग किसी भी PID या किसी भी मॉडल के PID में यूज करके देख सकते हैं। अब ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।